हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों में से एक डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में हुआ था। वो अब 76 साल के हो चुके हैं। मगर आज आज मुझसे पूछे बगैर ये मर गया, कुत्ते की मौत मर गया ये। अब क्या करूं तेरे साथ? वे हिंदी के साथ नेपाली, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने कांचा चीना, बख्तावर, खुदा बख्श जैसे किरदार पर्दे पर निभाए और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हुए। तमाम लोगों के सामने अपने भाई की लाश बिछाकर उनसे दोस्ती की भीख मांग रहा है। सिक्किम से निकलकर डैनी ने बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। अन्य स्ट्रगलर्स की तरह उनके भी शुरुआती दिन स्टूडियो और प्रोड्यूसर के दफ्तरों के चक्कर काटने में बीतते थे और रातें जहां भी जगह मिल जाए। हमें जो चीज पसंद आ जाती है हम खरीद लेते हैं। तुम्हारा लक्ष्मी नगर हमको बहुत पसंद है। डैनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से की। खलनायकी के लिए मशहूर डैनी ने अपनी डेब्यू फिल्म में पॉजिटिव किरदार निभाया था। 1973 में उन्होंने बीआर चोपड़ा की फिल्म धुंध में पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर सुर्खियां बटोरी थी। अब तक डैनी ने तकरीबन 190 फिल्में की हैं। उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके पास डेट्स की कमी थी।